भाई ये गिलिया गलत है भाई। भाई साहब यार ये कॉम्बिनेशन तो बहुत खतरनाक है भाई। भाई सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे भाई ये। लो भाई एक स्पेल स्वैग। राधे राधे मित्र गणों, कैसे हो सब। तो मैं तुम्हारे सामने लेके आ चुका हूँ MLCW यानी कि माइनर लीग क्लैन वॉर, यही होता है ना। हाँ, तो ये क्लैश ऑफ क्लैन का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और उससे पहले भी मैंने इस वीडियो की लाइव करी थी। सॉरी, इस क्लैन से मैंने लाइव करा था पर बाद में पता लगा था कि इसकी लाइव कर नहीं सकते, तो इसकी सिर्फ मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पायरेट्स ऑफ क्लैन, यानी कि ये जो MLCW है ये ग्लोबल लेवल पे होता है। और पिछली बार जो मैंने लाइव करा था उसमें चाइना वर्सेज इंडिया हुआ था, यानी कि POC सपोर्ट कर रही थी इंडिया को और दूसरी तरफ से आए थे KSS। तो वही उनका भाई दूसरा मैच यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है माइकल बॉयस के साथ था। हालांकि ये वॉर तो खत्म हो चुकी है, तुम्हें दिख रहा है सामने, तुम सोचोगे कि ड्रॉ रखा है पर ड्रॉ नहीं है। यहाँ पे जो अपना हिट काउंट है तुम यहाँ देख सकते हो, अटैक हिट यहाँ पे 39 अटैक लगे हैं POC ने, मतलब जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 39 अटैक में उनके सारे बेस 3 स्टार कर दिए हैं और उनको लगे थे 45 अटैक। तो जाहिर सी बात है, और वैसे भी इन्होंने कुछ रूल भी ब्रेक कर दिया था मेरे ख्याल से, तो उसका भी एक माइनस स्टार होना था इनका। तो इसी में से भाई जो तकड़े तकड़े अटैक मुझे लगे, तकड़े यानी कि देखो ज्यादातर तुम्हें पता है आजकल लावा लून तुम्हें बहुत देखने को मिलता है टूर्नामेंट में, तो उनको अवॉइड करेंगे और उसके अलावा जो मिलने वाला है वो देखेंगे। और जो सबसे पहले अटैक आने वाला है वो है तुम सबका फेवरेट तो नहीं बोलूंगा पर बहुत लोगों का फेवरेट है भी, और वो अटैक है इलेक्ट्रो ड्रैगन। और मैंने तुम्हें कहा था एक लाइव में कि इलेक्ट्रो ड्रैगन तो या तो भाई तुम उसको लेके जाओगे तो अपनी इज्जत बचा के आना, वरना तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और उसी के लिए मैं तुम्हें आज इलेक्ट्रो ड्रैगन का एक ऐसा अटैक दिखाने वाला हूं जिसको करना बहुत आसान है, यानी कि उस बंदे ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है तुम सबके लिए स्पेशल। मैं लेके आ चुका हूं, तुम्हें दिख रहा है सामने बेस टाउन हॉल 13 का, ठीक है। और कोई सीज मशीन नहीं है, तुम सीज मशीन यूज कर सकते हो अपने क्लैन वॉर में, ठीक है। ये तो टूर्नामेंट था इसलिए नहीं करी यहाँ पे रूल के हिसाब से। तुम्हें दिख रहा है एक तरफ आई है क्वीन, ठीक है, और यहाँ पे स्नीकी गोब्लिन से क्या करा, बिल्डिंग खाली करी गई है, ठीक है। अब क्वीन जा रही है, ध्यान से देखना कौन सा हीरो कितने सेक्शन खाता है या फिर कितनी चीजें खाता है। तुम्हें दिख रहा है क्वीन से यहाँ पे फ्रोजन एरो था, हेड एंटर डालने की भी जरूरत नहीं होती, फ्रोजन एरो ही काफी काम अच्छा कर देता है वैसे। और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे जो हीलर्स है ना वो डाली गई है 4, वो तुम्हें पता लगेगा अभी 4 क्यों डाली है। एक आ गया रेस ताकि क्वीन रिचार्ज भी हो जाए, और सीसी भी निकल चुकी है तो सीसी भी निपटारा हो जाएगा। और SR-71 ब्लैक बर्ड अटैक कर रहे थे, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे POC की तरफ से पायरेट्स ऑफ क्लैन। तो तुम्हें दिख रहा है जैसे टाउन हॉल निकला ना, मतलब मुझे काफी बढ़िया लगा यार इसकी स्ट्रेटेजी। तुम भी इसको अप्लाई करोगे तो तुम भी ऐसी अटैक कर सकते हो इलेक्ट्रो, और तुम्हारी भाई लाज बच जाएगी यानी तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रो को भाई कंट्रोल करना मतलब इतना भी आसान नहीं होता। लोग बोलते हैं कि वो स्पैम है पर वो स्पैम नहीं है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं दिख रहा है अब क्वीन उस तरफ आ गया, यानी कि वो वहाँ की क्लीनिंग कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रो ड्रैगन को 2 मिनट के लिए अवॉइड करेंगे। अब ध्यान से देखना यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने यहाँ डाली है एक अपना किंग और यहाँ पे डाला है अपना रॉयल चैंपियन। तुम अपना सीज बैरक वगैरह यहाँ डाल सकते हो, ठीक है, साइड में, ताकि और ज़्यादा हेल्प हो जाए। अब देखो किंग ना क्या करेगा, इस कंपार्टमेंट जान उसके यहाँ को डाला गया, उससे क्या होगा अब तुम देखोगे, किंग ने पूरा कंपार्टमेंट खा दिया। अब सोचो इलेक्ट्रो जो यहाँ वहाँ बट जाते हैं और फिर वार्डन भी इधर उधर हो जाता है तो सबको वो हील नहीं दे पाता अपनी, यानी कि अपने ओरा में नहीं रख पाता। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे किंग ने क्या करा, और वो देखो रॉयल चैंपियन ने एक्सबो खा दिया। अब तुम्हारे ईगल जो अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन है वो यहाँ से सीधा यहाँ को जाएंगे ना, मतलब ईगल वाले कंपार्टमेंट में, यानी कि उसने वो चीज़ खत्म कर दी ताकि इलेक्ट्रो डिस्ट्रैक्ट हो ही ना। उनका ट्रैक क्या बन गया था, सीधा उस तरफ को बन गया था, समझ रहे हो, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा। तो तुम ये ना हर एक बेस में कर सकते हो। क्या करना है तुमने, पहले अपनी क्वीन से तुमने कोई मस्त कंपार्टमेंट खा लेना, अब जरूरी नहीं तुम्हें हर बेस में टाउन हॉल मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिला तो तुमने एक जगह क्लीन कर दी ताकि वहाँ पे एक गैप बन गया, उसके बाद अपनी क्वीन को रिकॉल कर लो और एक बाहर वाले फ्लो में चला दो। जैसा तुमने देखा ये जो क्वीन है ये पूरी की पूरी बाहर से चल के आई थी, है ना। उसके बाद अब तुमने एक सेक्शन यहाँ से क्लीन कर दिया और क्वीन यहाँ से चला दिया। अब यहाँ पे जो एक हल्का सा चैम्बर बचा होगा, कुछ भी बचा होगा, अपने सीज मशीन और अपने हीरो डाल दो दोनों, तो क्या होगा ये भी कट हो जाएगा, तो तुम्हारे इलेक्ट्रो के एक सीधा फ्लो बन जाएगा। सोचो भाई इलेक्ट्रो अटैक कितना पावरफुल हो जाएगा भाई ऐसे, और सच्ची में इलेक्ट्रो पावरफुल होते हैं, बस तुम्हें उनकी लगाम संभालनी आनी चाहिए। तो तुम्हें दिख रहा है POC की तरफ से हमने पहला अटैक देखा इलेक्ट्रो का। अब बढ़ते हैं अगले अटैक की तरफ, जो मुझे काफी बढ़िया लगा, क्योंकि अगर तुम इसकी आर्मी ध्यान से नीचे देखोगे तो यहाँ पे भाई सारे ट्रूप लेके आ रखा है, सारे एक 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 सब ट्रूप ला रखा है, मतलब लगभग लगभग सब एक ही ला रखा है, पर तुम्हें उसका यूज पता लगेगा अभी क्या है, क्योंकि मुझे काफी बढ़िया लगा अटैक, मैं इसलिए इसको लेके आया। तुम्हें दिख रहा है क्वीन आ चुकी है, इसकी हीलर्स उसको हील कर रही है और स्नीकी गोब्लिन भी आ चुका है ताकि थोड़ी जल्दी हेल्प हो जाए। काफी बढ़िया चल रहा है देखो फिलहाल तो अटैक, ठीक है, मतलब 2 एक्सबो हैं और उसको रिकवरी अच्छी खासी मिल रही है उस पे से, क्योंकि एक्सबो जो है ना वो मार रहे हैं पर हीलर जो है वो रेज में है। अब स्कैटर शॉट भी लग चुका है,
तो उसकी हेल्थ थोड़ी सी तो कम होनी बनती है। तो दूसरा रेज आ चुका है लो भाई, ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी भी हो जाए। और तुम्हें अपने ही अपने जो स्पेल्स को घर लेके नहीं जाना है, तुम्हारा मेन काम है तुम्हारी वो चीज़ जिंदा रहे जो तुमने डाली है। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे इसका हीरो आया और पीछे से वार्डन आ चुका है और रॉयल चैंपियन भी अभी ये डाल देगा, ठीक है। और तुम्हें दिख रहा है वहाँ क्वीन की तरफ से सीसी आ चुकी है, तो उससे निपटारा भाई, पॉइजन डाल ही दिया है। और पॉइजन ना थोड़ा सा, वैसे तो हेड हंटर थे तब इसने जल्दी डाला होगा, अगर हेड हंटर ना हो तो तुम पॉइजन थोड़ा सा लेट गिरना तुम्हें दिखेगा, वरना पॉइजन का जो ओरा होता है ना वो खत्म हो जाता है जब तक अपना वो फटता है। तो तुम्हें दिख रहा है इसने यहाँ पर रेज गिरा, पर रेज वो टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं कम कर सकता ना जितने में इसने हर एक बेबी मारा। तुम्हें दिख रहा है यहाँ बाहर वाली तरफ से एक डाला येटी है, और इस तरफ जो अपने किंग क्वीन थे वो हैं, और वार्डन के साथ रॉयल चैंपियन भी आई गई है, जैसे तुम्हें बताया था येटी किंग रॉयल चैंपियन और वार्डन। तो फिलहाल तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और जो येटी है ना वो मरने वाला है, पर अभी एक मजेदार चीज़ आने वाली है। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी गई और एबिलिटी देने के साथ इसने वार्डन की एबिलिटी दबा दी, ताकि ईगल का, तुमने देखा ईगल का शॉट पड़ने वाला था, उससे पहले इसने जानबूझ के दबाया ताकि वो शॉट ना पड़े और जो येटी है ना वो अभी बच जाए, वरना येटी मरता तो थोड़ा डैमेज कम हो जाता ना तुम्हारा। अब एक क्लोल की बात क्या, मैं तुम्हें बताया था इसके वार्डन में 8वें लेवल की बुक है, सिर्फ 8वें की, सोचो मैक्स हो जाएगी ना, तो किंग की येटी की फुल लोन हेल्थ हो जाती, फुल जो हो चुकी है मतलब पर किंग की एबिलिटीज है। वहाँ तुम्हें दिख रहा है जो क्वीन चल रही थी वो वैसी चल रही तब से, यानी कि उसने अच्छी खासी चीज़ें खा ली है क्योंकि वो जिंदा रही है ना, तुमने इसको जिंदा रखा हुआ है। हालांकि उसकी एबिलिटी जा चुकी है, और तुम एबिलिटी जाना कोई वो नहीं होता, मतलब कोई बैड टर्म नहीं होता, तुम भी उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे तुम बहुत टाउनर के पास चले गए और कोई ट्रैप निकल गया तो तुम थोड़ा और आगे बढ़ गए तो तुम्हारी हीलर्स भी साथ में आगे आ जाएगी ना, तो तुम आप क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, ताकि एटलीस्ट तुम अपनी पावर इंक्रीज कर दो, ताकि जो टाउन हॉल अपनी हीलर्स को मार रहा है वो ना मारे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब तुम्हें दिख रहा है उसके सारे ट्रूप डाले, एक इलेक्ट्रो वहाँ काम आया, एक ड्रैगन यहाँ काम आया, एक पैगा यहाँ काम आया, एक ड्रैगन भी है, एक बॉलर भी है, एक ड्रैगन राइडर भी है, लून थोड़े ज़्यादा थे ठीक है, और बॉलर भी है, मतलब बंदा तुम देख रहे हो उसने पूरी आर्मी काम कैसे बना रखा उसने अपना आर्मी का कॉम्प। और तुम्हें दिख रहा है भाई ये हो गया भाई 3 स्टार। तो ये अटैक मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था पायरेट्स ऑफ क्लैन की तरफ से, नाम तो मेरे को पढ़ा नहीं जा रहा, तुमको ये लैंग्वेज आती तो पढ़ लेना भाई, सैम लिखा है शायद से आखिरी में, कुछ सैम लिखा हुआ था। तो अब बढ़ते अगले अटैक की तरफ को, जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है, यानी कि वो है खुलजा। वैसे सारे भाइयों ने यहाँ तकड़े अटैक करे, मतलब जिसने भी इंडिया को रिप्रेजेंट करा है काफ़ी बढ़िया करा है, पर मैं तुम्हारे लिए चुनिंदा लेके आया हूँ, जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ अलग से कुछ नया सीखने को मिलेगा ठीक है, क्योंकि लावा लून तुम्हें पता टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो होता है भाई, मतलब वो उस लेवल की आर्मी है कि जो टूर्नामेंट में यूज़ करी जाए पावरफुल टाइप। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे येटी आ चुका है, उसके बाद एक क्वीन आ चुकी है, और लेफ्ट राइट साइड क्लीन हो रही है, क्यों हो रही हो तुम्हें पता ही लग गया होगा, ताकि तुम अंदर को जा पाओ। और क्वीन थोड़ा सा बाहर को आते हुए, पर और एक क्वीन बिल्कुल ही बाहर जा चुकी है, पर शायद से वापस मुड़ जाएगी क्योंकि अगला कैनन तुम्हें दिख रहा है बहुत दूर था। और तुम्हें दिख रहा है क्वीन पे रेस डल चुका है, और वहाँ पे येटी था, उसने एक बिल यहाँ पे मतलब चीज़ खाली करी है, वो करने से क्या हुआ तुम्हें समझ रहे हो, वरना वो ना इस तरफ को आती क्वीन और फिर उसको अगला टारगेट क्या मिलता है ऐसे, हो सकता है वो इसको ट्रिगर कर लेती है ना, रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, तो उससे वो बाहर घूम के आ जाती। तो तुम्हें दिख रहा है येटी के लिए ये भी करा गया। हाँ, तो ये वीडियो के बीच में एक कट लग गया था क्योंकि मेरा फोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, और मतलब पंखा चला हुआ था बस, तो उसकी वजह से कैमरा बंद हो गया था, तो मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो हाँ, हम कहाँ पहुँचे हुए थे, तुम्हें दिख रहा है क्वीन पे आ चुका है एक पॉइजन स्पेल, दूसरा पॉइजन स्पेल इसने डाला है ताकि ट्रूप थोड़े शांत हो जाए, पर क्वीन ने टाउन हॉल और मोनोलिथ को छोड़ के सीसी पे, मतलब तुम्हें दिख रहा है बेस का डिजाइन भी काफ़ी बढ़िया था, मतलब क्वीन को वहाँ सर्वाइव कराना काफ़ी मुश्किल था। पर तुम्हें दिख रहा है एक रे स्पेल और इनविजिबल स्पेल तुम्हें कब डालना होता है, जब भी भाई तुम्हें अपनी क्वीन को रिकवर करना है, तुम्हें दिख रहा है क्वीन को रिकवर करने के लिए इसने वो डाला। और दूसरी तरफ से तुम्हें दिख रहा है बाहर वाली तरफ किंग जा रखा है, यानी कि बाहर वाली तरफ क्लीनिंग हो जाएगी, तो जिसके हो गए, वैसे भी होक डिफेंस को ट्रिगर करते हैं, वो बाहर तो आते ही नहीं है। तुम्हें दिख रहा है उसके साथ यहाँ पे रॉयल चैंपियन, मतलब दो डिफेंसिस की चीज़ें और हैं उसमें, वो क्या है रॉयल और अपनी बैटल ड्रिल, यानी कि खुदाई वाली मशीन। तो भाई वो जो खुदाई वाली मशीन है ना वो भी उसके साथ जाती है और डिफेंसेस को ट्रिगर करती है, मतलब एक ही साथ तुम देख रहे हो, मतलब कितनी सारी चीज़ों को डिफेंस मिल रही है। पर यहाँ पे जो पॉइजन स्पेल फटा है ना भाई, बड़ा गलत हुआ, तुम्हें दिख रहा है जो होक का फ्लो है काफ़ी कम हो चुका है, बट अभी भी वैसे ट्विन होक बहुत पावरफुल होता है, पर तुम्हें यहाँ दिख रहा है जो होक है वो थोड़े से कम हो चुके हैं, लगभग मरी चुके हैं, मुझे लग रहा है सुपर होक तो मरी चुके हैं, हाँ मर चुके हैं। पर उसके साथ जो तुमने भाई ड्रिल और रॉयल चैंपियन लगाया है ना, यानी कि तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें, मतलब जो तुम्हारे बेस के अंदर आर्मी गई वो सारी की सारी डिफेंस को देख रही है, तो यानी कि डिफेंस सोचो कितनी कितनी जल्दी टूटेगी। बाकी यहाँ पॉइजन स्पेल की वजह से थोड़ा सा खराब हुआ था, बाकी तुम ये सेम आर्मी अपने किसी टाउन हॉल पे यूज़ कर सकते हो। तो तुमने देखा भाई कितनी पावरफुल थी, और ड्रिल मशीन के साथ तो बिल्कुल तबाही बन गई थी यार। ठीक है भाई, रेजल भाई का ये अटैक है, तो ये भी देख लेते हैं। तो दिख रहे तुम्हें स्टाउन 16 का आ चुका है। अच्छा हाँ, इसमें मैं क्या दिखा बताना था, तुम्हें याद आया, तुम्हें दिख रहा है एक क्वीन का भाई एक घर्राते जार भाई यहाँ से एरो निकलते गया,
और उसने चीजों को डैमेज करा, इन्फर्नो द्वारा वो होने लग गया है, पर उससे एक चीज और हो गई है और क्वीन को ऐसे रिकवर कर ली। बस इतना ही क्लीन करना था, तो मेरे सिर्फ चार बिल्डिंग क्लीन हुई है, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद सीधा 2 हाउसिंग स्पेस लगी है। और भाई रॉकेट लॉन्चर ने काफ़ी अच्छी प्रहार करा यहाँ पे, यानी कि हीलर्स पे एक खा के गया था वो स्टिल। भाई तुम्हें दिख रहा है वार्डन आ चुका है रेजियम लगा के, उस पर ब्लिंप भी आ चुका है, 18वें लेवल का रेजियम है, पूरा 50% का डैमेज इनक्रीज, बाप रे। तुम्हें दिख रहा है क्लोनिंग हुई है बड़ी गलत वाली, और लून कैसे ट्रांसफर करके और कैसे रेज पैलेस ने एकदम से स्कैटर करे, तुम्हें देखा मतलब पीछे आर्मी कैसे चार्ज हो रखी है, तुम्हें दिख रहा है मतलब जैसी मतलब मौके का फायदा उठाना बोलते हैं ना, वो लगा लो भाई तुम। अब इसके बाद तुम्हें दिख रहा है बच्चा क्या हुआ, एक पॉइजन बचा हुआ है, स्केलेटन बचा हुआ है, फ्रीज बचा हुआ है, क्वीन तुम्हें पता है 12 वाली साइड से थी, और वहाँ से किंग भी आ चुका है, और किंग हालांकि अच्छा उसके बाद फिनिक्स है किंग के पास, ठीक है किंग से ऐसे इन्फर्नो खा ले नहीं, वो बिजी था ट्रैप पे। और भाई यहाँ पे अब इसकी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी है क्योंकि स्कैटर शॉट और यहाँ पे क्वीन भी थी और साथ में इन्फर्नो भी था, तो इस तरह का फ्लो खत्म हो चुका है। बाकी ड्रैगन राइडर और थोड़े ओहो बाहर भी भाई ड्रैगन्स बचे हुए हैं जिनके पूंछ में लगी हुई है हरे कलर की फ्लेम। रॉयल चैंपियन आ रही है, उसके पास अबिलिटी है, उसके पास होक पपेट है और अपना हसदे स्पेल है जिससे वो तेज हो जाएगी, यानी कि हेस्ट है मतलब मुझे पता है, मैं यहाँ पर उसको हसदे बोल देता हूँ। तुम्हें दिख रहा है भाई अब रॉयल चैंपियन की अबिलिटी जब लगेगी देखने मजा आएगा क्या होता है। पॉइजन इसने क्वीन के लिए बचा के रखा था। ओ देखो भाई भाई रॉयल चैंपियन कितनी स्पीड में, वो देखो देखो देखो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, सुपर फास्ट भाई, ये तो बड़ा पावरफुल लग रहा है यार। तुमने देखा उसने कितनी जल्दी 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 एरो चलाए, मतलब कोई लिमिट नहीं थी, जैसे रॉकेट स्पेयर में तो कुछ लिमिट है ना कि इतनी देर तक चलेगा। यार तू काफी बढ़िया था यार, मैंने मतलब पहली बार इसको मैक्स वाले को देखा यार, बहुत स्पीड में यार, क्या डिफेंसेस खाई उसने, इसका तो हाईलाइट बनता है यार। एक मिनट रुक जाओ, मुझे काफी मजा आया यार इसको देख के, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं कुछ नहीं, बस सीधा स्पीड में बढ़ी जा रही है वो, मतलब तुम समझ रहे हो उसकी जो लिमिटेशन है वो उसके टाइम पे है, उसके अटैकिंग के उस पर नहीं है, वो मार रही है धड़ 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 धड़। भाई बड़ा गलत लगा यार, इसको दोबारा देखेंगे एक सेकंड, यहीं पे कहीं पे आई थी रॉयल चैंपियन। ठीक है रॉयल चैंपियन आ गया, मैं स्लो कर दूंगा जल्दी। ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, बाहर गई थी, ओए ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, स्लो करके देखेंगे कितने कितने हिट मारे उसने। लग चुकी है उसकी एबिलिटी, नॉर्मल कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाई 8, 9, 10, 11, 12 भाई मतलब तुम देख रहे हो भाई, पता नहीं 12, 13 कुछ इतना ही था, मैं ढंग से काउंट नहीं कर पाया, मुझे फीलिंग आ रही है, पर तुम देख रहे हो मतलब जो रॉयल चैंपियन का मैक्सिमम एक डैमेज होता है ना, वो उतना ज़्यादा जल्दी हो गया, 10 उसने 10 डैमेज दे दिए भाई एक बारी में। अब तुमको उसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब जितने का भी वो डैमेज है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना डैमेज दे दिया यार उसने, यार तो काफ़ी बढ़िया था यार। और ऊपर से होक पपेट होए होए, मतलब होक जो है वो भी एक जगह पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि स्कैटर्स और समझ लो मार रहा है तो फ़ायदा उठाएगा ना, पर रॉयल चैंपियन क्विक कर रही है उनको बिल्कुल। ये तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था यार, मुझे लिटरली काफ़ी बढ़िया लगा है। अब बचा है भाई छठे के ऊपर, यानी कि एक्स मैन के ऊपर, जिसने करा है एविल 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 डेविल, तो टाउन हॉल 16 आ चुका है एक और। हाँ अब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक मिनट, ये वही बंदा है ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ड्रैगन और क्लोनिंग भी है। ठीक है अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, वो जो क्वीन में तुमने देखा था पिछले अटैक में, तुम्हें एक वो दिखा था एरो जो बहुत स्पीड में सीना चीरते हुए गया था बेस का, उसका पता है फ़ायदा क्या है, मतलब यहाँ पे एक ट्रिक है, बेशक ये जो पॉइजन जो बेशक जो टावर है ना ये टूटे ना, पर इनका ना ये ट्रिक क्या है अभी तुम्हें पता लगेगी। मैंने जब ये दूसरा अटैक देखा ना तब मैं समझा कि ये इसने क्यों लगा रखा है, यानी कि स्पेशल तुम्हें दिख रहा है। अब तुम लून क्लोन करोगे तो अगर आप वो चीज़ ही इनविजिबल हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तुम रिस्क नहीं ले सकते ना। ये देखो क्वीन का जब एरो जाता है ना तो इनको लगता है कि घुसपैठिया आ गया और तो ये चल जाते हैं, ये इसकी मतलब वो है डिसएडवांटेज, जो मतलब एक लूप होल्स है और इस बंदे ने मतलब इसको पता था जो भी अटैक करते होंगे, पर मैंने पहली बार देखा तो ये चीज़ करते हैं जानबूझ के ताकि इनविजिबल स्पेल्स गायब हो जाएं, तुम्हें दिख रहा है, और अगर पॉइजन भी होगा तो वो भी गायब हो जाएगा। यार काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, तुम भी इसको अपनी आर्मी में यूज़ कर सकते हो, या मतलब किस हिसाब से लगाना है तुमने वो तुम देख सकते हो। तुम्हें दिख रहा है अब यहाँ पे इनविजिबल तो है नहीं, यानी कि जो भी देखो रे स्पेल गिर गया है, पॉइजन बोल रहा हूँ क्या बोलते हैं उसे, क्लोनिंग भी गिर चुकी है, पर टोर्नेडो ने थोड़ा काम खराब कर दिया है, शायद से धमाका पड़े, वो देखो काफ़ी ज़्यादा लून की वैल्यू कम हो गई, टोर्नेडो निकल गया था वहाँ पे, पर इनविजिबल से तुम देख सकते हो कि तुम कैसे बच सकते हो, इनविजिबल पॉइजन कुछ भी लगा हुआ है उसको तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। और तुमने देखा भाई इसने क्या क्वीन से मतलब उस कंपार्टमेंट से निकालना ताकि दोनों स्पेल यूज़ हो जाए, मतलब ऐसे लाइन खींचना उन दोनों के बीच में, ठीक है क्योंकि वो तो पूरा बेस कवर करेगा ना, तो बाकी तुम्हें लाइन खींचनी तो आती होगी। और तुम्हें दिख रहा है इस तरफ से भाई रॉयल चैंपियन आ चुकी है, इसके पास क्या लगा हुआ है, अरे फिर से वही है, मजा आएगा देखने में,
तो आइए शुरू करते हैं। तो पर ये एबिलिटी यूज करेगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। ऊपर से भाई उसके पास स्पिरिट भी है भाई, अलग ही है भाई, वो गायब हो जा रहे बीच बीच में। सही लग चुकी एबिलिटी, 1 2 3 4 5 पांच हिट में वो गायब, 6 7 8 9 अरे भाई नो, ओ भाई ये गलिया गलत है भाई, भाई साहब यार ये कॉम्बिनेशन तो बहुत खतरनाक है भाई, भाई सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे भाई ये। लो भाई एक स्पेल स्वैग भी दे दिया और काफ़ी बढ़िया लगा, जबकि उसके सारे लून मर गए थे भाई। यार ये रॉयल चैंपियन नेक्स्ट लेवल है भाई, और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे डिस्काउंटेड रॉयल चैंपियन भी लगी हुई है, अगर तुमको बाय करनी है तो तुम वो बाय कर सकते हो। और हर महीने की 1 तारीख को ये अपडेट हो जाता है, यानी कि कुछ नए ऑफर आ जाते हैं, और वो जो ऑफर है वो तुम्हारे किस हिसाब से तुम्हें अप्लाई होते हैं वो तुम मेंबरशिप में चेक कर लेना जाके। तो ये थे भाई POC जो क्लैन है उनके अटैक्स, यानी कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं MLCW में, और ऐसी सीरीज और आती रहेगी क्योंकि अभी तक भाई इन्होंने 2 बार सर्वाइव कर ली अच्छी खासी, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी और अटैक आएंगे MLCW के, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज रात को 9 बजे हम लाइव करते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें तुम भी पार्ट ले सकते हो, अभी नहीं जब नया टूर्नामेंट आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वहां फॉलो कर लेना, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, यहां पे तुम फॉलो कर लेना और तो तुम भी टूर्नामेंट में पार्ट ले सकते हो जो हमारे चैनल पे आता है। और कैच और टूर्नामेंट कैसे होते हैं वो देखने के लिए रात को 9 बजे लाइव आ जाना, और फिर टेल देन बाकी रात को 9 बजे लाइव देखने आई जाना कि क्या होता है लाइव में। और बाकी टेल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।